भाई भी रेस लगा रहा है। वाइजर लग के एकदम प्यार है, बट जस्ट हैव अ लुक गाइस कि कितना प्यारा लग रहा है। टेल सेक्शन से ऐसी कुछ लुक आ रही है, मतलब ह्यूज लग रही है बाइक अब। हालत देखो भाई, नंबर प्लेट की अगर पहले तो जाएगा बताओ, ऊपर से आगे इसको भी तो लगा स्क्रैच जैसा, उससे भी लग जाएगा पता। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक्सीडेंट हुआ था मेरा, तो आप देख सकते हो कि बॉडी जो कोलाइड हुई थी वहाँ पे, मतलब ऐसा हो गया। अब यहाँ से मारो ना, स्कूटी से हुई है, स्कूटी से हुआ है, इन्होंने पीछे से मार दिया। दिस वॉज द स्कूटी, यहाँ से मारे इन्होंने। स्कूटी से हुई है, स्कूटी से हुआ है, इन्होंने पीछे से मार दिया। फिर क्या, अब नीचे खड़े। तो क्या हाल है भाइयों के, सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू आर डूइंग वेल। ओए होए 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 होए, बस वाले चचा इतना डेंजरसली मत चलाओ, हमका डर लगता है। आई डोंट नो व्हाई बट बस वालों से मेरे को ओवरटेक लेने में बहुत ज़्यादा डर लगता है यार। बहुत डर लगा भाई मेरे को, ट्रस्ट मी गाइस, ये जो अभी ओवरटेक लिया है ना मैंने, मतलब इतने डर डर के लिया है ना। वैसे आई एम नॉट इन अ मूड टू हैव अ रेस बिकॉज थोड़ी सी तबीयत ख़राब है मेरी, बट अगर कंटेंट मिल रहा है भाई तो तबीयत ठीक हो जाती है। भाई भी रेस लगा रहा है। आई हैव टू बी मोर केयरफुल बिकॉज मेरे पास ABS नहीं है, और भाई निकल गया यार 390 की पावर। ऑब्वियसली बात है उसका पिकअप ज़्यादा है, बट कोशिश तो कर रही है भाई अरुण भाई। सो वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के आपको पता लग गया होगा, टुडेज वीडियो इज ऑल्सो अबाउट मॉडिफिकेशन। आज की वीडियो में भी हम करने जा रहे हैं थोड़ी सी छोटी मोटी मॉडिफिकेशन। टुडे आई एम गोइंग टू इंस्टॉल बबल वाइजर, नॉट डबल बबल, पर्सनली आई डोंट लाइक डबल बबल वाइजर, तो बबल वाइजर लगवाएंगे। और बाकी मैंने सोचा है कि फ्रेम स्लाइडर्स लगवाऊंगा आफ्टर माय एक्सीडेंट। अरे अरे सर जी, एक्सीडेंट के बाद से मेरे को थोड़ा बहुत मतलब डर लग गया बाइक की बॉडी का, बिकॉज थोड़े से मेरे को स्क्रैचेस और थोड़े से मतलब मार्क्स वगैरह एक्सीडेंट के वो रह गए हैं। ऑल्सो आई हैव टू एडजस्ट माई फ्रंट लाइट्स जो मैंने एडिशनल लगवाई हैं भाई से, टू गिव इट अ आवन लुक। उनका क्या सीन है कि रात को क्या होता है उनकी जो लाइट्स है वो स्कैटर हो जा रही है, आई डोंट नो वाई। एट प्रेजेंट वो लाइट सिर्फ एक शोपीस का काम कर रही है, बिकॉज रात को बहुत ज़्यादा स्कैटर हो रहा है, इसकी लाइट उधर जा रही है, इसकी लाइट उधर जा रही है, इसको भी एडजस्ट करवाएंगे, बाकी देखते क्या सीन बनता है। तो मिलता हूँ आपको सीधा शॉप पे। माई लेफ्ट लेग इज स्टिल पेनिंग ड्यू टू दैट एक्सीडेंट, बट कोई सीन नहीं यार, हो रहा हूँ ठीक धीरे धीरे। तनुल भाई कैसे हो? बढ़िया, बस बहुत बढ़िया भाई। भाई वैसे आप कोरोना को सीरियस ले रहे हो ना, मास्क वगैरह सारा पहनना है। तो भाई ये काम था आपसे कि मेरे को चाहिए था वाइजर V3 का और साथ में फ्रेम स्लाइडर्स लगाने थे, तो दिखा दोगे एक बार? ये है वाइजर। अच्छा ये V3 का है? हाँ, V3 का वाइजर है और ये आपका स्लाइडर है। तो ये नहीं लगेगा V3 में? नहीं, ये V2 का है। अच्छा ये V2 का है, V2 का है, ये पल्सर RS 200 का है, ये डोमिनोर का है,
220 का मिल जाएगा, MT का भी आ गया है, प्लस सारे वाइजर आपके पास सारी बाइक्स के। सो गाइज लेट मी टेल यू कि बाइक की शॉप पे आपको सारी एसेसरीज मिल जाएंगी बाइक्स की कार्स की। तो मैं डिस्क्रिप्शन में भाई का लिंक दे दूँगा, नॉट लिंक दे दूँगा, नंबर दे दूँगा भाई का, आप कॉल कर सकते हो भाई से, पूछ सकते हो कौन कौन सी एसेसरीज हैं। बाकी देखते हैं क्या क्या लगाता हूँ मैं। जस्ट हैव अ लुक कि अभी कैसी लग रही है बाइक और बाइक से लगाने के बाद कैसी लगेगी। अभी मैं आपको एक ओवर भी दे देता हूँ। फ्रंट का ऐसा है और जहाँ पे कॉकपिट है इसका वहाँ से ऐसा है। तो गाइस पुराना वाइजर खुल चुका है और यू कैन हैव अ लुक कि कैसी लग रही है अभी। पर्सनली मेरे से पूछो तो भाई मेरे को तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, बट लोग ऐसे करा के घूमते हैं। लेकिन भाई आपको कैसी लग रही है अभी, बेकार है ना? लोग कराते हैं ऐसी, देखो कॉकपिट से ऐसा कुछ व्यू है इसका। तभी देखते हैं नया वाइजर लगा के। जस्ट हैव अ लुक, यहाँ पे नंबर प्लेट लगती है, मिरर लगते हैं। तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं इनको लगवाऊँ कि ना लगवाऊँ, बिकॉज मेरे को अगर पर्सनली पूछा जाए तो ऐसे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है विदाउट मिरर और नंबर प्लेट। तो वाइजर लग के एकदम प्यार है, बट जस्ट हैव अ लुक गाइस कि कितना प्यारा लग रहा है। टेल सेक्शन से ऐसी कुछ लुक आ रही है इसकी, मतलब ह्यूज लग रही है बाइक अब। और साइड एंगल से ऐसी है, फ्रंट से ऐसी है, मतलब ह्यूज लग रहा है आगे का। तो बढ़िया, मतलब रिग्रेट नहीं हो रहा है इसको लगा के। भाई जब मैं एंटर करा ना आपकी शॉप पे, मैंने बुलेट देखी है कि लेमिनेशन है। ये लेमिनेशन है। तो कर देते हो ना आप लेमिनेशन सारी बाइक्स पे, बुलेट पे? तो प्राइसिंग क्या होगी कुछ बता दोगे मोटा सा आइडिया? जोर से बोल दोगे? पूरा बुलेट करवाना हो 2000 रुपया और टंकी करानी हो 800। अच्छा, टंकी का सिर्फ 800 है? इसमें पूरा हुआ है टंकी में? हुआ टंकी में सर। तो अच्छा, मतलब स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है, वाटर प्रूफ भी होता है ना, वारंटी वगैरह, मतलब 6 महीने की वारंटी है। बहुत बढ़िया भाई, अच्छी लुक प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक्सीडेंट हुआ था मेरा, तो आप देख सकते हैं कि बॉडी जो कोलाइड हुई थी वहाँ पे, मतलब ऐसा हो गया। अब यहाँ पे तो हम पार्ट पूरा चेंज नहीं कर सकते इसके लिए, तो इनके लिए यूज़ होता है ये फ्रेम स्लाइडर। सारा मतलब जो बॉडी वेट है वो इस पर आ जाता है और ये सेव हो जाती है ऐसी ऐसी चीज़ें। सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मेरी जो लाइट है वो स्कैटर हो जाती है रात को, तो अभी वो ठीक कर रहे हैं। क्या करने लगे भाई, आगे लगाने लगे इसको? ये टाइट कर देंगे, देखते हैं क्या सीन बनता है, बिकॉज अभी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है भाई रात को। सो जस्ट चेक आउट द फाइनल व्यू, अभी बाइक ऐसी लग रही है। तो विंगलेट वैसे इंस्टॉल कराने का मेरा कोई मन था नहीं, बट ड्यू टू लाइट्स की जो नई फिटिंग थी उसकी वजह से कराना पड़ा। बाकी फ्रेम स्लाइडर्स ये हैं और वाइजर कुछ ऐसा है। तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे ख्याल से तो बढ़िया लुक दे रही है अभी। बाकी तुम कमेंट्स में बताओ कैसी लग रही है। सो सारी मॉडिफिकेशन हो गई है डन, तो वीडियो को करते हैं एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, मॉडिफिकेशन पसंद आई होगी। तो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना और अपने घर वालों का। बाकी तुम बताओ तुमको कैसा व्यू लग रहा है अभी बाइक का, बिकॉज़ अभी एज अ राइडर मेरे को बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है।